इंडियन की सैलरी अबव एवरेज होगी जर्मन्स की सैलरी के। बिना जॉब के भी यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा मिलेगा। वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे, वेकेशन पे बॉसेस कभी भी कॉल नहीं करते। गाइज नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल। मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो ना उन लोग के लिए खास है जो यहाँ पर जर्मनी में आकर नौकरी करना चाहते हैं, जो लाइफ में कहीं पर भी नौकरी करना चाहते हैं। देखो यार, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम बड़े होकर अच्छा काम कर सके, अच्छी नौकरी कर सके, अच्छे से पैसे कमा सके। और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो अगर ये सब चीज़ें मैं आपको कहूँ कि आपको बहुत आसानी से मिल सकती है बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना, तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्यों जर्मनी एक बेस्ट कंट्री है जॉब करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, क्यों जर्मनी सबसे बेहतरीन देश है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में अगर वीकेंड है या कोई भी छुट्टी है, कोई बैंक हॉलीडे है, कोई पब्लिक हॉलीडे है, कोई भी हॉलीडे है ना, तो आपका बॉस आपको फ़ोन करके काम के लिए नहीं बोलेगा। और वर्किंग आवर्स के बाद भी आपका बॉस या फिर आपके कुलीग्स आपको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। यानी कि जितने देर आपकी वर्किंग आवर्स हैं आपको सिर्फ उन्हीं में काम करना है। वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे, वेकेशन पे बॉसेस कभी भी कॉल नहीं करते, चाहे काम कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। जर्मनी में साल की 25 से 30 पेड वेकेशन मिलती है। इसका मतलब आप साल की 25 से 30 छुट्टियां ले सकते हैं। और जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, बैंक हॉलीडेज होती हैं, वीकेंड होते हैं, वो अलग से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साल में आपको सिर्फ कितने दिन काम करना पड़ता है। जो 25 से 30 हॉलीडे हैं, पब्लिक हॉलीडे हैं, बैंक हॉलीडे हैं, वीकेंड्स हैं, इनके अलावा अगर आप सिक लीव लेते हैं ना, तो भी आपकी सैलरी नहीं कटेगी। क्योंकि देखो, बीमार होना तो किसी के बस की बात नहीं है ना। तो सिक लीव जो होती हैं वो भी पेड होती हैं। अगर आप एक या दो दिन की सिक लीव ले रहे हैं तो आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लंबी सिक लीव लेते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपकी सैलरी नहीं कटेगी चाहे आप कितनी भी लंबी सिक लीव ले। अगर आप बहुत महीनों के लिए सिक लीव लेते हैं तो हाँ, आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज कम आएगा, लेकिन जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है वो यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर देगा। यहाँ पर ना अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होता है ना, तो ऑफिस की छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी उतनी पड़ती नहीं है, ठंड ज़्यादा रहती है, सर्दियों में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर गर्मियों में 30 डिग्री पहुँच गया या उससे ऊपर पहुँच गया ना, तो ऑफिसों की छुट्टियाँ हो जाती है। तो सोच लीजिए कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं यहाँ पर। जर्मनी में नौकरी करने का देखो एक और फायदा है, अगर फ्यूचर में आपके बच्चे होते हैं या आपके बच्चे ऑलरेडी हैं, तो सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि जो टैक्स कैटेगरी है वो चेंज जाती है, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बच्चे होने के बाद ऐसा नहीं है कि अरे यार खर्चा बढ़ेगा, बल्कि बच्चे होने से ना आपका फाइनेंशियल फायदा ही है, क्योंकि सरकार आपको बहुत हेल्प करेगी। जितनी आपकी सैलरी है वो इन हैंड और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफी बेनिफिट्स हैं ऑफ हैविंग किड्स, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। और ये मैटरनल पैटरनल लीव तो अलग ही है। अगर आप जर्मनी में नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी किन्हीं वजहों से चली जाती है या आप जॉबलेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फिनेंशियली सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो आपने सोशल सिक्योरिटीज दी है उन सबका फायदा आपको जॉबलेस रहने पर मिलेगा। और तब तक वो आपको सपोर्ट करेगी जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है, आपको नौकरी नहीं मिल जाती। तो जॉबलेस होने के बाद भी ना आप अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हैं। हाँ, उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो सैलरी है वो आपकी फुल सैलरी नहीं आएगी, बल्कि कुछ परसेंटेज आएगा, लगभग 67-70% आपकी सैलरी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बिना जॉब के भी यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा मिलेगा। देखो, जर्मनी में नौकरी करने का इंडियंस के लिए एक और फायदा है, आपको ना जर्मन से कंपैरेटिवली ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्योंकि देखो, अगर कोई इंडियन को हायर कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि जर्मन में उतना इंटेलिजेंस नहीं है या वो उस जॉब के लिए कंपैटिबल नहीं है जिसके लिए एक इंडियन को रखा जाए। तो इंडियन की सैलरी अबव एवरेज होगी जर्मन्स की सैलरी के। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं जर्मनी में नौकरी करने के। तो ये तो थे कुछ एक बेनिफिट्स जर्मनी में नौकरी करने के। और अगर आप और बेनिफिट्स जानना चाहते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पर नौकरी करने के, यहाँ पर काम करने के बहुत सारे, बहुत 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 सारे फायदे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। चाओ।